हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ की केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर, जो कि चल ही रहा था लेकिन थोड़े से इश्यूज होने के कारण बीच में कहीं प्रॉब्लम आ गई थी। तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जो पिछला चीज़ पढ़े थे उसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आज बता देंगे, तो कल से अच्छी और रेगुलर क्लासेस चलेंगे विद प्रैक्टिकल्स, ओके। तो लेट स्टार्ट क्लास, ओके। देखो क्या होता है, हमने पहले रिवीजन कर लेते हैं पूरे चीज़ का, तो थोड़ा से आगे बता देते हैं, क्योंकि आप जानते हो पढ़ाने से ज़्यादा रिवीजन इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। तो आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, छोटी वीडियो बनेगी लेकिन दमदार बनेगी, आ जाओ, ठीक। सुनो, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण, ठीक है, इसी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर रहे थे, ठीक। तो ये था हमारा चैप्टर्स, ठीक। स्टार्ट करते हैं, हमने ये डिस्कस किया था फर्स्ट वाले लेक्चर, हमने ये बताया था कि देखो आपको ये कैसे पहचानोगे कि ये रिएक्शंस हो रही हैं, मतलब इक्वेशंस बन रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही, हमने चार चीज़ें आपको बताई थी अच्छे से, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चीज़ है ना, तो पहचान करना, ठीक, रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे करते हैं। पहला जो हमारे पास पहला तरीका था, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक, चौथा भी था, है ना, चौथा, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हमारे पास चीज़ें थी, ठीक। पहले था हमारा, सुनते हैं, ठीक, पहला था क्या हमारा, पहला ये था कि अवस्था में परिवर्तन करके हम जान सकते हैं कि हमारी अब क्रिया एक्चुअली हो रही है या नहीं, ठीक, उसके बारे में समझते हैं, हाँ। चलो, अवस्था में परिवर्तन करके, क्या अवस्था में परिवर्तन, ठीक, अवस्था में परिवर्तन करके, ठीक, चेंजिंग इन स्टेट, इसमें परिवर्तन करके हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे होता क्या था, सुनो, हमने क्या कहा था, अगर एक ये ले लूँ, फिर ये कोई तीन टैंक ले लो आप, ठीक, कोई थ्री टैंक्स आप ले लो, ठीक। पहले में हमको करना क्या है, हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कोई बोतल, ठीक। यदि कोई बोतल में अगर क्या हो, हमारा कोई एकदम बर्फ से एकदम सॉलिड हो, ठीक, तो क्या करते हैं, ये मान लो सॉलिड है, जिसे बोलते हैं ठोस, ठीक, और कुछ देर बाद ये क्या होगा, इसके हमने अलग से टेम्परेचर नहीं दिया, अलग से कुछ भी नहीं दिया, ये जानते हो वायुमंडलीय के फिक्स टेम्परेचर पे क्या हो जाता, बदलता रहता। तो देखो ये ठोस से क्या हुआ, बर्फ, जानते हो आप डेली लाइफ में, आई थिंक यूज़ भी करते हो, ज़्यादा बताना वैसे भी, तो यहाँ पे नोट करना, ठोस, द्रव, गैस, ठीक, लिक्विड, गैस, है ना, ये तीन चीज़ें थी। तो अब ये आप देख रहे हो कि ये पहले एकदम सॉलिड थी, ये कैसे थी, सॉलिड थी एकदम, एकदम ये तो सॉलिड थी, फिर क्या हुआ, थोड़ा इनके बीच में गैप बनने लगा, गैप क्यों, क्योंकि आप जानते हो ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं, गैस के अणु उससे थोड़ी दूर दूर होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे पहुँचा, ठीक, एक समय ऐसा भी आता है कि जानते हो क्या होता है कि इसके ना इसके गैस में परिवर्तन हो, मतलब कि इसके जो स्टेट में चेंजिंग होने लगती है एकदम स्पीड से, क्या आप जानते हो इस समय जो प्रेजेंट टाइम है क्या होता है, गर्मियों के समय में क्या होता है, गर्मियों में समय में क्या होता है ना कि आप देखते हो कि पानी जो होता है तालाब वगैरह में उड़ने लगता है ना, तो किस में चेंज हुआ, गैस में,
मतलब वाष्प होने लगता। अब देखो क्यों हमने इसके अणु दूर दूर लिखे, क्योंकि आप जानते हो कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं। और एक बात आप जानते हो, खाना महकने लगता है ना, खाना अगर घर पे बनता रहे तो क्या होता है, महकने लगता है। ठीक, घर पे क्या करता, खाना महकने लगता है। ठीक, तो अगर बनता रहे होटल में, आप कहते हो क्या खुशबू है, तो कारण क्या होता है, गैस का कारण होता है कि गैस के अणु दूर दूर रहते हैं, इसलिए तुरंत ही आपको चीज़ें महक जाती हैं। ठीक, तो इसका ये होता है। अब कह सकते हो खाने की महक, ठीक, खाने की महक का भी यही रीज़न होता है। ठीक, ये हमने समझ, अब देखो हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि इसके चेंज कर दिया ना, चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया ना इसके इसके स्टेट में। ठीक, यहाँ भी क्या हुआ, परिवर्तन हो गया ना, तो क्या कहते हैं हम कि अवस्था में परिवर्तन करके हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, आगे देखते हैं, हमारे पास दूसरा चीज़ क्या, रंग में परिवर्तन करके, क्या, रंग में परिवर्तन करके। ठीक, तो देखते हैं, रंग में परिवर्तन करके, रंग में परिवर्तन करके, ठीक, रंग में परिवर्तन करके देखो कैसे हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास, हमने ये बताया था कि रंग में कैसे परिवर्तन कर सकते हो, हम ये दो टैंक बना लेते हैं। ठीक, एक टैंक ये है और एक टैंक ये है ना। अब देखो क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमको चेक करना है कि एक्चुअली इसमें हो रही है या नहीं हो रही है, आगे देखते हैं। ठीक, देखो अब क्या करते हैं, मान लो कि ये वाटर है, एकदम क्लीन वाटर है, ठीक है, एकदम क्लीन पानी है। ठीक, ये जल है H2O। ठीक, अब ये क्या है मेरा, मान लेते हैं इसमें नील है, क्या, नील, नील है, तो मान लेते हैं इसमें नील है। ठीक, नील मान लेते हैं इसमें। ठीक, अब क्या करते हैं, नील है, अब एक काम करते हैं ना, इस नील को उठा के इसमें डालते हैं। ठीक, इस नील को उठा के इसमें डालते हैं, जब इस नील को उठा के इसमें डाल देंगे ना, तो हमको, अब जानते हो कि क्या हो, वाटर वाइट होता है, वाटर क्या होता है, वाइट, वाइट होता है ना, वाटर क्या होता है, वाइट होता है। ठीक, और क्या, अब देखो ये एकदम, ये चीज़ तो नीला है, क्योंकि नील हमने ली है, नीली ना, क्यों, अब ये नीली है एकदम, अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे। ठीक, डालेंगे तो क्या यहाँ पे होगा, परिवर्तन होगा इसकी, किसमें, रंग में परिवर्तन तुरंत हो जाएगा। देखो कैसे, ये देखो इसके रंग में परिवर्तन। ठीक, क्या हुआ, ये किसमें चेंज हो गया, वाइट चेंज हुआ किसमें, नीले में। तो क्या कह सकते हैं, इसके इसके रंग में परिवर्तन करके हम जान सकते हैं कि ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक, चलते हैं हम आगे, अब आगे देखते हैं ना, तापमान में परिवर्तन करके, तापमान में परिवर्तन करके तीसरा लिखते हैं, तापमान में परिवर्तन करके। ठीक, तापमान में परिवर्तन करके हम चीज़ों को समझते हैं। देखो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक काम कर, इसका हम प्रैक्टिकल कराएंगे। ठीक, हो सकता है ये प्रैक्टिकल कल ही कराएं, क्यों, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से आप चीज़ें जल्दी समझ जाओगे आई थिंक, उसका देखते हैं। सुनो, अब देखो कोई, ये मान लो डिब्बा है, ठीक, कोई मान लो कि डिब्बा है, अब एक काम करते हैं ना, एक इसमें चूना लाते हैं, जानते हो आप ये चूना, ठीक, चूने जो रंगने वाला होता नहीं, उसको सिंपल से लाते हैं, उसमें एक काम करते हैं, कोई चीज़ जैसे कि आप जानते हो कोई गलने वाली चीज़ जिससे गैस निकले, उसको, उसके बारे में हम कल वीडियो बना के देंगे, तो आप जल्दी समझ जाओगे। ठीक, तो क्या करते हैं, उसमें हम जब डालते हैं, आप जानते हो जैसे कि आप डाल दिए कोई चीज़, मान लो कि यहाँ पे कोई चीज़ डाल दिए, वो क्या करता है, इतना तेज़ रिएक्ट करता है कि इससे, इस चूने से उसमें क्या गैस निकलने लगती है। ठीक, तो क्या करते हैं हम, ये सॉरी ताप में परिवर्तन करके। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ताप में परिवर्तन करें मतलब कि ये पहले ठंडा था, बाद में क्या हुआ, इसमें अब जानते हो चूना उबलने लगता है, चूना उबला तो क्या होता है कि इसमें एक
गैस भी निकलती है और ताप भी हमने अलग से डाल दिया। ठीक, ताप क्या कर दिया हमने, डाल दिया अलग से, हमने कहा गया ताप डाल दिया और वो तो चूना तो ऐसे भी होता है। ठीक, तो क्या करते हैं, इतना हो गया। अब ताप में हमने परिवर्तन करके हमने पूरा कर दिया, है ना ये चीज़। अब आगे की चीज़ों को हम देखते हैं। चौथा, गैस का निकलना, इसका कल प्रैक्टिकल करेंगे हम, इसका गैस का निकलना कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम, किसी चीज़, आप जानते हो कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ को आप जलाओगे तो गैस ज़रूर निकलेगी, है ना। किसी चीज़ को आप जलाओगे तो उसमें गैस ज़रूर निकलती है। अब इसका प्रैक्टिकल तो ईजी है, तो इसको हम कल सीखेंगे। ठीक, अब इतना हमने चीज़ सीख लिया कि इसमें करके हम एक गैस को इसमें निकाल दें, हो सकता है गैस निकल, ठीक, गैस हमारी निकल रही है। ठीक, तो इसका हम प्रैक्टिकल कल सीखेंगे। और आई थिंक आपने इतना रिविज़न कर लिया, पीछे अगर वीडियोज़ में दिक्कत, अगर यहाँ पर दिक्कत हो तो पीछे देख लो, नहीं हमने आई थिंक यहाँ पर कोई चीज़ आपको एकदम अच्छे से हर चीज़ें हमने समझा दी हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, हम आगे करते हैं ना, हमने सीखा था ये, हम संतुलित और असंतुलित रिएक्शन सीखे थे ना, वो समीकरण सीखे थे। देखो कैसे इसको हम मिटा देते हैं, आप नोट वैसे भी नोट किए होंगे, तो आगे देखते हैं यहाँ पे। देखो समीकरण को संतुलित करना, ठीक, समीकरण को संतुलित करना, देखो कैसे संतुलित करना समीकरण को, इसके हमने दो टाइप में टाइप क्या थे, वो ऐसे थे। ठीक है, यहाँ पे एक था शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, और दूसरा था सिंबल प्रतीक के रूप में समीकरण, के रूप में समीकरण। जैसे हमने आई थिंक आपको अच्छे से बता रखा था कि इसमें एक्चुअली होता क्या था, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण को साइंटिस्टों ने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि कहा कि अगर हम इन छोटी चीज़ों को अगर बड़ा बना के लिखेंगे तो मतलब कि कॉपी भी अधिक लगेगी, टाइम भी जाएगा, पेन भी अधिक लगेगी, इसलिए ना उन्होंने शॉर्ट मेथड सोचा कि हाँ हम ऐसे उसके सिंबल से प्रयोग करके इन चीज़ों को सीख सकते थे क्या, जैसे हम कोई रिएक्शन आपको लिख रहे हैं। ठीक है, देखो एक रिएक्शन है Mg+O2, ठीक, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, Mg+O2, तो इसको जानते हैं MgO बन जाएगा, है ना, लेकिन संतुलित ने संतुलित कर देते हैं, टू यहाँ से, हमने आपको अच्छे से समझाया था ये चीज़। अब देखो आगे, अब इसी चीज़ को हम शब्द में लिखते हैं। देखो जैसे ऐसे बोलेंगे कि जब मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन को आपस में क्रिया करवाते हैं तो हमें उत्पाद में क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो अब देखो, अब तुम ही बताओ, तुम ये लिखना पसंद करोगे या ये, कौन से तुम पसंद करोगे। ठीक, तो तुम कौन पसंद करोगे, तुम ये वाली पसंद करो। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को जल्दी से लिखा जा सकता है, उन चीज़ों को जल्दी से नहीं लिखा क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा, आप जानते हो वैसे हमने बता रखा है। ठीक, तो इसको इग्नोर कर दिए, इसका चलन कर दिए। ठीक, तो यहाँ से
ख़त्म ये वाला चीज़, अब नेक्स्ट चीज़ चलता है। ठीक, अब सुनो, अब आई थिंक आपने यहाँ तक अच्छे सीख रखा था। अब हमने आपको बताया था संतुलित समीकरण, ठीक, ये तो दोनों हो गए संतुलित समीकरण। अब देखो हमने कि अब संतुलित समीकरण करेंगे, ठीक, संतुलित समीकरण, ठीक, या समीकरणों को संतुलित करना, समीकरणों को संतुलित करना, ठीक। वो हमने टाइप बताया था कि हम दो तरीके से लिख सकते हैं संतुलित समीकरण को, देखो हमने संतुलित करके बता दिया। अब करते हैं मेरे संतुलित करना समीकरण को, ठीक, देखो कैसे। हमने ये बताया था कि वही पिछली वाली रिएक्शन Mg+O2 MgO, ना, तो अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप क्या कहा था, हमने कहा था पहले रिएक्शंस को लिख लूँ, आपने लिख लिया, ठीक। दूसरा क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, आप जानते हो अच्छे से। क्या करेंगे, हमने बताया था कि आप इसके कितने यहाँ पे उसके संख्या है, Mg की संख्या, O2 की संख्या, MgO की संख्या, जितना वो पहले लिख लो पहले स्टेप में। तो Mg1 है, ठीक है। दूसरा, अब देखो हमने एक चीज़ और बताई थी आपको, यहाँ पे साइड बताई थी कि O2 जैसे है तो यहाँ पे वन मान ले, वन होता है और यहाँ से गुणा होकर टू यहाँ आ जाता है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारी दो है, ये है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, Mg1 है, ठीक। अब क्या है, ये भी कितना है, ये भी हमारा है वन, ठीक। तो देखो आप ये देख रहे हो कि ना इस तरफ तो इससे कोई मतलब, क्योंकि हमारा ये वो क्या बोलते हैं, अभिकारक है, ठीक, ये चीज़ अभिकारक है। अब दूसरा देखो, प्रोडक्ट में हमको करना है कुछ, ठीक, क्या करते हैं हम, अब देखो यहाँ पे वन वन है, यहाँ पे टू है। अब एक काम करें, हम क्या करें, सोच के करें, अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे दो कर दें, नहीं यहाँ पे वन ही रहने दो, यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरे में करने पे, अगर हम एक काम करें ना, यहाँ पे दो से गुणा कर दें, मतलब बढ़ा दें दो, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मान लो कर दिए, लेकिन तो फिर क्या करोगे आप, ये फिर Mg भी टू हो जाएगा और टू वो भी दो हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे अलग अलग है, तो सिंपल से यहाँ पे टू कर लो, यहाँ पे टू है ही, तो देखो आप क्या सीख गए, आप यहाँ पे टू कर लो और यहाँ पे टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हो गया और राइट साइड भी इक्वल हो गया, ठीक। तो क्या हमने कर दिया कि ये संतुलित समीकरण है। आई थिंक आप इतना भी सीख चुके थे, आगे चलते हैं, ठीक। तो रिवीजन हो ही रहा है ना, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, गुणा करना है, मतलब संतुलित करना है चीज़ों को। देखो हमको क्या करना, RHS और LHS कंप्लीट करना है, तो हमने कर दिया, अब आगे चलते हैं, रिवीजन हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे कि कुछ, अब ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए आज नया होगा, ठीक। जटिल, ठीक, कुछ जटिल इक्वेशन को कैसे थोड़ा हम समझेंगे उसको देखते हैं, ठीक है, जटिल समीकरण को, ठीक, समीकरणों को, ठीक, देखते हैं। जैसे आपके पास होता एक Mg O ऐसे कोई समीकरण, ठीक है, एक समीकरण एक ले लेते हैं ऐसे। अब इसमें आपको समझ में नहीं आया, पहली बात तो आपको समझ भी नहीं आएगा, अगर हम मान ले कि हम अपने स्वेच्छा से क्या करना चाहते हैं, Mg को टू करना चाहते हैं, अब वन है तो क्या करेंगे, आप सोचोगे यही गड़बड़ी होती है और यहीं पे हम सिखाना चाहते हैं। देखो अब मान लो कि इसको हम टू कर रहे हैं, ठीक, देखो इसको टू कर दिए, ठीक, टू कर दिए, अब क्या करेंगे, हाँ अगर ना जानते रहो तो कैसे करोगे, देखो इसको लिख दोगे टू, ठीक, इसको ले लिख, इसको क्या लिखोगे फिर, तो यहाँ पे गलती होगी ना, इसलिए हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आप गलती ना करें इस चीज़ों में, ठीक। देखो कैसे, अब एक काम करेंगे, ठीक, सीखते हैं, ये तो हाँ Mg2 हो गया, लेकिन ये वाली चीज़ इसमें गुणा होगी, ठीक, इसमें ये वाली चीज़, देखो इसको हम अलग से कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे,
2MgOH, ये 4 हो जाएगा ना, तो हमने 4 कर दिया, ठीक है। अब तो यहाँ ये चीज़ें कर लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये अंदर गुणा होता है इससे, ये 2O हो जाएगा, फिर तीसरा 2H हो, जो पीछे वाली चीज़ थे, ठीक। ये इतना कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे चेंज नहीं हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये तो मान लो कि ठीक इतना हुआ, अब इसका अंदर 4 का गुणा होगा इसके साथ, इसका भी 4 का होगा, तो इस तरफ Mg और ये होगा 4O और ये होगा हमारा कितना 4H। देखो ये हम सिखाना चाहते थे, आई थिंक आप अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक। अब एक और ले लें क्या, आपके समझने के लिए हम एक रिएक्शंस और ले लेते हैं, ठीक है। देखो एक रिएक्शन और ले लेते हैं, अब आई थिंक मिटा दें, ये मेन पार्ट था, ठीक, आज की क्लास का ये मेन पार्ट था। आई थिंक हमने रिवीजन कर रहे थे, ठीक, हम चीज़ों को, लेकिन आज का ये मेन पार्ट है, ठीक। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो ले लेते हैं हम AlOH3, ठीक, इन चीज़ों को हमने बस जैसे मैथ जैसे बताया बस वैसे ही करना है, ठीक। अब इसको हम करते हैं साथ, अगर मान लो अभी देखो एल्युमिनियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 3, ऑक्सीजन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या 3, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर मान ले कि हम सपोज दैट हम क्या दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में ये था, हमने एक सीख लिया, ठीक, और दूसरे स्टेप में मान ले कि हम एल्युमिनियम की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम बढ़ा सकते हैं ना। अब एक काम करते हैं, हम यहीं पर क्या करते हैं 3 से गुणा कर देते हैं पूरे चीज़ में, ठीक, तो ये हो जाएगा। लेकिन अब यहीं पर आपको समझना है फिर से, ठीक, समझना क्या है कि ये 3 है और ये 3 है जब ना, ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, ठीक, यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, जैसे हमने बताया था पिछले वाले उसमें रिएक्शन में, ठीक। क्या हो जाएगा ये AlOH9, ठीक, 9 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इसकी संख्या चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 3 था ना, यहाँ पे 3 लिख दो, AL हमारा कितना हो गया 3, इससे गुणा होगा ये, इससे गुणा होगा ये, और ये होगा 9, ये होगा H9, ठीक। हमने देखो संख्या भी बढ़ा दी, अपना पूरा काम भी कर लिया, है ना। आई थिंक आप इतना समझ गए होगे, आज के लिए बस इतनी सी क्लास है। एक काम करो, एक रिएक्शन हम आपको दे दें, ठीक, उसमें करना आप ट्राई, ठीक। देखो हम कोई रिएक्शन लेते हैं, मान लो कि हम ले लेते हैं, ठीक, एक आपके लिए होमवर्क है, अगर मान लो कि MgOH यहीं पर अगर मान लो 4 हो गया, तो अब इसको आपका ये होमवर्क है, आप ये करके आओगे, ठीक। जो जहाँ भी प्रॉब्लम हो, जहाँ भी कहीं भी, आप कमेंट सेक्शन इस जिंदाबाद है, आप वहाँ पे पूरे आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आप जो भी आपको गलत लगे, ठीक, जो भी आपको ना समझ में आए, उसको क्या करें, कमेंट में डाल देना, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक। आई थिंक आज की मैंने क्लास कंप्लीट कर ली, जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक, आप भेज सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ तक चला था, उसके बाद कल चलेगा रासायनिक समीकरण के प्रकार, ठीक। तो कल से हम चैप्टर पढ़ेंगे धुआंधार रासायनिक समीकरण के प्रकार। सो पहली बात तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिएगा। तो अब चलते हैं, कल मिलते हैं। सो थैंक यू ऑल।